आप सबको जानकारी है कि कल से अजमेर में आरपीएससी में आरएस के इंटरव्यू चालू होने वाले हैं। सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें ताकि विघ्न नहीं हो, और इंटरव्यू से पहले ही गड़बड़ झाला हो गया। मैंने मुख्यमंत्री जी से मीडिया के जरिए कहना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को रोकें, मेरी पत्रकार वार्ता को गौर से सुने। इसमें वही आरोप हैं जो मैंने रीट में लगाए थे, प्रमाणित आरोप हैं, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज को क्या है। तुम अपने उधर बैठो, पीछे बैठो, विनोद जी उनको पीछे करो, सबको जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को कॉपी जांच करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, वो आरपीसी के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ने आरएस 2021 की परीक्षा की कॉपी प्राइवेट कॉलेजेस के ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जहां खुले में कॉपियों को चेक किया गया, आपस में देखा गया, सत्ताधारी दल के नेताओं से मिलकर उनसे गाइडलाइन लेकर चहेतों को कॉपियों में नंबर दिए गए। वो प्रमाण आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी एक वाक्य कहते हैं, हर गलती सजा मांगती है, तो आप उन लाखों राज्य के जवानों को जिन्होंने आरएस की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था, जो कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट ने उनको गलत माना था, उनको भी आपने मौका नहीं दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, और इनको जब तक लंबित रखें जब तक इनकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाए। नंबर एक, ये जो कल से इंटरव्यू हो रहे हैं वो गैर कानूनी है, इसके प्रमाण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। आपकी जानकारी में आरपीएससी अध्यक्ष ने आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड के पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। ये किसके कहने पे दी गई, ये समझ से बाहर है। किसी मेंबर को जिम्मेदारी देना ये इतिहास में आरपीएससी के में पहली बार हुआ है, जबकि इस प्रकरण में सेकंड ग्रेड के टीचर के प्रकरण में पूरी आरपीएससी ने सर्वसम्मति से आरपीएससी के चेयरमैन को अधिकृत कर दिया था कि आप ही पेपर सेट करेंगे, कोई और नहीं करेगा। फिर भी इन्होंने बाबूलाल कटारा को पेपर दे दिया तैयार करने का। इसे सिद्ध होता है कि आरपीएससी में बड़ा घालमेल है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है इसमें कि 2021 का जो पेपर था, मुखिया जी से मांग की थी, बच्चों ने बहुत दिन तक यूनिवर्सिटी के कैंपस में धरना दे के बैठे रहे थे, मैं भी उसमें गया था। उस समय प्रतिपक्ष के उपनेता भी वहां धरने पर पहुंचे थे, बहुत नेता कांग्रेस के भी गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी। तो संजय श्रोत्रिय जी ने क्या कबाड़ा किया वो मैं आपकी जानकारी में दे रहा हूँ। आरएस मुख्य परीक्षा कॉपियां जांचने वाले लोगों को ये फैसला था, फुल कमीशन से होता है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा 2021 में कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच
प्राइवेट कॉलेज के अनुभवहीन शिक्षक को दी गई, जिसमें एक बगरू की निजी कॉलेज का एक टीचर तो ऐसा था जिससे 10 दिन तक परीक्षा जांच करवा ली और जब उसमें सही जांच नहीं हुई तो उसको हटा दिया। उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। अनुभवहीन शिक्षकों द्वारा कापियां जांचने का एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा, ज्यादा दूंगा तो लंबा हो जाएगा। आरएस मुख्य परीक्षा का पेपर, तीसरा पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का था, यूनिट 2 के 65 अंक थे, उनको शिक्षक द्वारा जांचा गया। उन शिक्षकों के मैं आपको नाम बताऊंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रश्नों को जांचने का हेड कोऑर्डिनेटर का नाम ढंग से लिख लेना, आरके 24 को बनाया गया। यह आरके 24 कभी जो आरएस की ट्रेनिंग होती है यहाँ पढ़ाया करता था, ये कौन सा मातो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें ओटीएस में, और वहाँ से रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद संजय श्रोत्री जी ने ये उदयपुर के रहने वाले आर के 24 को हेड कोऑर्डिनेटर बना दिया। गया ना रिटायर, प्राइवेट के लोगों के हाथ में गई परीक्षा। अब इसने क्या किया, इस रिटायर्ड व्यक्ति ने, और रिटायर्ड ये प्रोफेसर नहीं है, कोई प्रोफेसर भी होता तो समझ में आता, कोई यूनिवर्सिटी से होता तो समझ में आता। इसने क्या किया कि कनाडिया कॉलेज की टीचर है रीटा माथुर, और रीटा माथुर को जिम्मेदारी दे दी, रूम इंचार्ज बना दिया जहां परीक्षाओं की जांच हुई थी एमएनआईटी कॉलेज के कमरे में, वहां का इंचार्ज बना दिया रीटा जी को। अब इंचार्ज भी बनता तो समझ में आता था, कोई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनता और कोऑर्डिनेटर हेड भी बनना समझ में आता था, कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का बनता, जनरल व्यास विश्वविद्यालय का बनता, महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर का बनता, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का बनता। लेकिन दर्जनों अच्छे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी उनको नजरअंदाज किया गया और अनुभवहीन शिक्षकों को जिम्मेदारी दे दी। आपको पता है रीट पेपर का नाम आया था रामकृपाल मीणा जो प्राइवेट था, प्रदीप पारासर जो प्राइवेट था, राजीव गांधी स्टडी सर्कल जो प्राइवेट था। मैंने तथ्य उजागर किए तो सरकार को गिरफ्तार करने पड़े और गिरफ्तार करके छूट भी गए, ऐसा कानून गहलोत साहब ला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी दे दी। अब आप सुनो, इसमें जिम्मेदारी किन को दिए, कनाडिया कॉलेज, सुबोध कॉलेज और बगरू के निजी कॉलेज। अरे इनका मैं नाम आपको बता देता हूँ, कॉपी चेक करने का, जो 24 जी ने दिए हैं, डॉक्टर आर के 24, रिटायर्ड एंड प्राइवेट मैन हेड कोऑर्डिनेटर। इनकी महिलाओं पर ज़्यादा मेहरबानी हुई, वो कैसे जाने, मैंने पता किया कि ये सारी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। रीता माथुर, डॉक्टर रीता माथुर, ये कनाडिया कॉलेज की है। डॉक्टर पद्मजा शर्मा, ये सुबोध कॉलेज की है। डॉक्टर मनीषा माथुर, ये कनाडिया कॉलेज की है। डॉक्टर इंदु शर्मा, ये सुबोध कॉलेज की है। डॉक्टर अर्चना मिश्रा, रहने वाली उदयपुर की है, चूँकि रहने वाले ये 24 जी भी उदयपुर के हैं, ये बगरू में किसी प्राइवेट मीरा एवं गीता कॉलेज है निजी, उसमें पढ़ाती है, चूँकि ये उदयपुर की थी, श्रीमान जी भी उदयपुर के थे, तो इसको कॉपियाँ दे दी, तुम भी जांच कर लो। इसी ढंग से डॉक्टर रूपाली कनाडिया कॉलेज की, डॉक्टर पवन शर्मा सुबोध कॉलेज के, डॉक्टर प्रीति रजावत सुबोध कॉलेज की। इन सब प्राइवेट के हाथों में आरएस का भविष्य दे डाला। समझ गए होंगे,
प्राइवेट को नियमानुसार दे नहीं सकते, माना कार्रवाई होगी तो प्राइवेट का सरकार क्या बिगाड़ लेगी। गहलोत साहब कहते हैं, डोटासरा जी ने कहा था कोई भी इसमें गड़बड़ करेगा तो उसका उसको नौकरी से निकाल देंगे, उसकी बिल्डिंग ढहा देंगे। नौकरी से किसको निकालेंगे, तो रिटायर हो गए, पहले ही निकल गए। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तो मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कि इसमें पूरा घालमेल हुआ है और इन लोगों ने कॉपियों में भारी हेरा फेरी की है, जिससे अयोग्य लोग राजस्थान में आरएस बनेंगे, योग्य रह गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, मीडिया आप सुन रहे होंगे, नहीं तो कल अखबार में पढ़ने को मिल जाएगा, चैनल भी डाल देंगे, आप तुरंत इस परीक्षा को, इंटरव्यू को कल से स्थगित कराएं। मैंने पहले भी 2018 के आरएस भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी बताई थी, 2021 में 21 में जमकर भ्रष्टाचार हुआ वो बताया था। मैंने कहा था कि शिव सिंह राठौर जो बाद में एडहॉक चेयरमैन बना, उसने एमडीएस यूनिवर्सिटी में कापी जांचने के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी अपने चहेते व्यक्ति को दी, जो गोविंद डोटासरा के इलाके का रहने वाला था, जिसके कारण गोविंद डोटासरा के 6 पर नातेदार रिश्तेदार आरएस बन गए। उनके लिखित में पेपर में परीक्षा में कुछ नंबर कम थे और इंटरव्यू में खूब दे दिए। इस प्रकार से मैंने बताया था कि जो शिव सिंह राठौड़ है उसने अहम भूमिका निभाई, तो उनको एडहॉक चेयरमैन बना दिया। और आपकी जानकारी में मैंने ये भी डाला था कि उस समय के जो चेयरमैन थे माननीय यादव साहब, भूपेंद्र यादव, उनको फोर्स लीव पर भेजा गया, मैंने तारीख भी बताई थी। और फोर्स लीव पर भेजने के बाद शिव सिंह राठौड़ को बैठाया गया और शिव सिंह राठौड़ ने और सत्ताधारी दल के लोगों ने मिलकर अपने चहेते लोगों को आरएस बना डाला। अब उसी दौरान इन्होंने एक ट्वीट किया था शिव सिंह राठौड़ ने, जब ये एमडीएस यूनिवर्सिटी में हेरा फेरी कर रहे थे। मैंने मीडिया को उस समय बताया था, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्वीट है। डॉक्टर शिव सिंह राठौर 18/12/2021 का ट्वीट है, जिसमें यूएनएस्को ग्लोबल हैशटैग जियो पार्क हमारे मेहरानगढ़ की भू धरा की अद्भुत इसलिए है कि जोधपुर में बन सकता है देश का पहला यूएनएस्को ग्लोबल जियो हेरिटेज पार्क। ये परीक्षा से पहले डाला और आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ ने डाला 2/12/2021 के बीच में डाला और इसको ये पेपर में आ गया, परीक्षा पेपर में डाला। उन्होंने इशारा भी मार दिया तो 10 अंक उस व्यक्ति को मिल गए जो ये पढ़ने में सफल हो गया। इस प्रकार से चेयरमैन रहते हुए शिव सिंह राठौड़ ने गड़बड़ की, कांग्रेस के लोगों को उपकृत किया, ये मैं उस समय आपकी जानकारी में डाला था। उन्होंने फिर मैंने कहा था कि ये जो धर्मेंद्र राठौड़ जी मुख्यमंत्री जी के खासम खास और डोटासरा जी, इन्होंने इनको जिम्मेदारी दी थी इस बात की कि इन्होंने कहा था मैं आरएस में आपके लोगों को चयन करा दूंगा, मेरे को चेयरमैन बना दिया, बाद में बना भी दिया एडहॉक चेयरमैन। तो मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से, मेरी पुरानी मांगे हैं, उन पे तो आपने विचार नहीं किया। आरएस मुख्य परीक्षा की तारीख 25 और 26 फरवरी 2022 को कराया जाना निर्धारित किया गया था। उस आरएस मुख्य परीक्षा सिलेबस नियमानुसार विज्ञप्ति जारी होने के समय ही डाला जाना चाहिए, लेकिन प्री परिणाम के बाद 30% सिलेबस को बदल दिया गया। बच्चों ने समय मांगा, समय नहीं दिया और उस परीक्षा में 150 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिए, जिस पर अभ्यर्थियों ने
14 प्रश्नों पर हाईकोर्ट में आपत्ति लगाई थी, हाईकोर्ट ने भी ये सही माना, उस परीक्षा को रद्द करने का कहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और बच्चों के साथ अन्याय कर दिया और अपने लोगों को चयन कराने में ये सरकार सफल हुई। ये जो मैं कह रहा हूँ, गंभीर बात ये है, पुरानी बातों पर तो मुख्यमंत्री जी आपने गौर नहीं किया, लेकिन जहाँ MNIT में कॉपी जांची गई, जिस महिला शिक्षक का मैं नाम ले रहा हूँ कनाडा में, उस कनोडिया कॉलेज की, वो उसकी देखरेख कर रही थी, और जिस हेड कोऑर्डिनेटर का 24 का मैं नाम ले रहा हूँ, वो रिटायर्ड हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं, और उन्होंने 9 निजी कॉलेज के प्राइवेट लोगों को, अनुभवहीन को कॉपी चेक कराने के लिए लगा दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर हेरा फेरी होकर सत्ताधारी दल के मंत्रियों, विधायकों और CMO ने मिलके अपने लोगों को भरपूर नंबर दिलाए। मुख्यमंत्री जी, आपकी जानकारी में ये बात नहीं होगी, अगर है तो बड़ा पाप हुआ, नहीं है तो आप ये पुण्य कमा लो कि इस परीक्षा के कल से जो इंटरव्यू होने वाले हैं उनको आप स्थगित करें और पूरी जांच करने के बाद ही इंटरव्यू लें। दूसरा मामला, मैंने उस समय बताया था कि ये सब इंस्पेक्टर थानेदारों की परीक्षा 13/9/2021 से 15/9/2021 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। उन 11 मुकदमों से 7 में चालान हो गया, 2 में FR लग गई, 2 अभी पेंडिंग है। और इसमें आपने एक मॉक इंटरव्यू में सुना होगा, एक महिला सब इंस्पेक्टर से पूछ रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो माननीय द्रौपदी मुर्मू का वो नाम नहीं बता सकी और वो सब इंस्पेक्टर बन गई ना, भाई मीडिया के भाई, वो बन गई। तो ये निरस्त होने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निरस्त नहीं किए। और FR कैसे मामलों में लगाई है, मैं थोड़ा सा जल्दी में पढ़ के बता देता हूँ। मुकदमा नंबर 319/2021 थाना शास्त्री नगर, इस प्रकरण में परीक्षा केंद्र की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें अभ्यर्थी पेपर व मूल OMR सीट को परीक्षा केंद्र से बाहर लेकर चला गया, जिसमें परीक्षा समाप्ति के 1.5 घंटे बाद OMR सीट जमा कराई, उसमें FR लगा दी। इसी प्रकार से एक FIR नंबर है 373/2021 थाना विद्याधर नगर जयपुर, इस प्रकरण में भी केंद्र की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें अभ्यर्थी पेपर व मूल OMR सीट को परीक्षा केंद्र से लेकर बाहर चले गया और परीक्षा समाप्ति के 1.5 घंटे बाद OMR सीट लाकर जमा कराई, उसका सिलेक्शन भी हो गया और इसमें पुलिस ने FIR लगा दी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब 11 FIR है जिसमें 7 में पुलिस मानती है, कुछ में आपने FIR लगा दी, और जब चालान 7 में कर रहे हो तो ये जो दोषी हैं इतने लंबी संख्या में, तो इस जो सिलेक्शन हुआ उसको स्थगित किया जाना चाहिए। आप जानते हो RPSC में सब इंस्पेक्टर का रिटर्न और इंटरव्यू हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट के नंबर डाले जाने चाहिए वेबसाइट पर, या डिक्लेयर किए जाने चाहिए जो अब तक डिक्लेयर नहीं किए, ताकि ये अपनी चोरी छुपा सकें। एक अकेले साचौर तहसील से 160 थानेदार बने, 160 थानेदार, उसमें 100 एक ही जाति के, मैं किसी जाति के विरोध में नहीं है, 100 एक ही जाति के हैं, जिनका सम्मान समारोह जोधपुर में रखा गया 100 का। वो ऐसे लोग हैं जिनकी सूची मैं आपको दे दूंगा, जिनसे पहले ही वहां एक छात्रावास बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए ले लिए थे, उनका सबका चयन हो गया। और वो ऐसे ही थे जो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकते देश का। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि
कि आपको पता है कि जो ये टीचर का सेकेंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक हुआ उसमें सुनील विश्नोई पकड़ा गया था। ध्यान से सुनना, सुनील विश्नोई, सुनील विश्नोई ने नाम बताया, पेपर में शेर सिंह से लाया, बाबूलाल कटारा का नाम बताया शेर सिंह ने, बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ। अब इसके कबाड़े सुन लो आप सुनील विश्नोई के। सुनील विश्नोई राजकीय संस्कृत स्कूल चितलवाना में उप प्रधानाचार्य थे, उसी स्कूल के ये जो मैं नाम बता रहा हूँ सुनील विश्नोई, ये सुरेश ढाका का रिश्तेदार है। इस उप प्रधानाचार्य ने अपने एलडीसी, इसी स्कूल के एलडीसी नरेश कुमार खिलेरी को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा टॉप कराई है, टॉपर है। तो इस टॉपर के सुनील विश्नोई जो गिरफ्तार है भी जेल में, शेर सिंह मीणा जो गिरफ्तार है भी जेल में, बाबूलाल कटारा जो भी जेल में है, इन तीनों ने मिलके इसको टॉप कराया है। इसके प्रमाण अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, अभी उसको मीडिया में उजागर करना जरूरत नहीं है। इन तीनों लोगों ने, शेर सिंह मीणा, सुनील विश्नोई, बाबूलाल कटारा ने सब इंस्पेक्टर के पेपर में धांधली की है, फर्जी सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट किए। इंटरव्यू में बाबूलाल कटारा बैठा था, तो जैसे सेकंड ग्रेड टीचर में दोषी है बाबूलाल कटारा, शेर सिंह मीणा, सुनील विश्नोई, सुरेश ढाका, उसमें भी इसी प्रकार से दोषी है, जिससे 160 एक ही तहसील के सब इंस्पेक्टर बन गए। और उसी स्कूल का जिसमें सुनील विश्नोई गिरफ्तार है, एक एलडीसी सब इंस्पेक्टर का टॉपर बन गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जिसमें निवेदन करूंगा कि परीक्षा 2021 आरएस सब इंस्पेक्टर 2000, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनकी परीक्षा स्थगित की जाए और माननीय मुख्यमंत्री इंटरव्यू बाद में कराई जाए। जब पर इसमें किया क्या, ये तो इंटरव्यू हो भी गया सब इंस्पेक्टर का, तो सीधा आरपीएससी ने पीएचक्यू को लिस्ट भेज दी, पोस्टिंग देंगे आप, सीधी लिस्ट भेज दी। उससे पहले सबके नंबर आ जाने चाहिए वेबसाइट पर, या आरपीएससी को चस्पा कर देने चाहिए, कुछ नहीं करके आरपीएससी ने सीधी डीजी पुलिस हेडक्वार्टर को लिस्ट भेज दी, इनकी पोस्टिंग दे दो। इस ढंग से सब इंस्पेक्टर आरएस में भारी घपला पैदा हुआ, और अब लिखित में बेशुमार घपला करने के बाद में ये जो तीन मेंबरों की आरपीएससी जो फुल कमीशन नहीं कहा जा सकता, वो साठगांठ कर सरकार से भारी भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां करके, अनियमितता करके सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को आरएस बनाएगी। मैं इस पर घोर आक्षेप करता हूं। मैं जानता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री ना तो इसको सीबीआई को देंगे ना ईडी को देंगे। आज हमारी सवाई माधोपुर में बैठक है कोर कमेटी में, कल भी है, मैं उसमें रहूँगा, और परसों सब इंस्पेक्टर और आरएस के पूरे प्रमाण मैं पार्टी से परमिशन ले लिए जयपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी को देंगे। कैसा नहीं, कल चार परसों दे देंगे। इसके बाद 5,000 करोड़ का घोटाला यूडीएच का, जल्दी 10-5 दिन में, जिसमें यूडीएच के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एमएलए शामिल हैं, वो आपके सामने उजागर करूँगा। क्योंकि कल परीक्षा इसका इंटरव्यू चालू हो रहा है, इसलिए ये मैंने महत्वपूर्ण समझा कि इंटरव्यू रुक जाए, आपकी जानकारी में मैंने डाला है। वो तो आप ईडी से पूछें, पर ईडी आ गई और ईडी ने कुछ लोगों को जांच करी है। अब ईडी आगे कैसे बढ़ेगी, लेकिन उसमें ईडी का कार्रवाई करना शेष है। आपकी जानकारी में आया होगा, आया कि नहीं आया, मेरी जानकारी में आया है कि सुभाष गर्ग ने अपना मोबाइल फोन जिससे वो संपर्क करना था बनय सिंह के थ्रू, जो जो भी परीक्षा रीट में गड़बड़ घोटाले करवाए, प्रिंटिंग प्रेस से करवाए, वो मोबाइल कहीं फेंक दिया, और मोबाइल गायब होने की FIR मथुरा गेट थाना भरतपुर में दर्ज करवा दी। प्रमाण नष्ट करने में लगे हुए MLA मंत्री और अधिकारी राजस्थान के। पिछले 7 अगस्त में आरएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया था, एक साल होने पर उसके बाद आप तक
नहीं नहीं हमने पहले आपको नहीं ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी है। इसको रोकने के लिए आपको ध्यान हो, अगर आप गए हो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 15 दिन तक धरना चला था, एक रात मैं भी बैठा था, राठौड़ साहब भी गए थे, प्रताप सिंह खाचरदास भी गए थे, राजकुमार सरनम, आप देखना दर्जनों सत्ताधारी दल और विपक्षी लोग गए थे और मुख्यमंत्री जी से मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं मानी तो ये प्रकरण हम आपके सामने लाए, इसमें कोई दुर्भावना नहीं। रोकने का मतलब ये पहले जांच करें ना रोक के, मैं अगर कोई मैं दे रहा हूँ तो मैं सही दे रहा हूँ, मेरी जानकारी तो रोक कर जांच कराएं। जैसे तीनों पेपर सेकंड ग्रेड टीचर के निरस्त किए हैं जांच के बाद, वैसे ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, मेरी मांग है जांच के बाद। आप लोग गंभीर नहीं है इस मामले में, ऐसा लगा आप चाहते हैं जिनकी परीक्षा होगी इनको जाने दो, आर एस बनने दो, वो रिटर्निंग ऑफिसर बन गए तो मेरे जैसों को और हरा देंगे। नहीं नहीं वो तो देखो मैं उसमें तो कुछ नहीं कह सकता, अगर समय में उसमें जांच हो जाती तो एक भी हकदार नहीं था, और इसमें भी अगर समय पर जांच हो जाएगी तो दर्जनों लोग जेल के कटघरे में होंगे, कॉपी चेक करने वाले, कॉपी चेक की टीम बनाने वाले, निजी कॉलेज निजी लोगों के लोग और सत्ताधारी दल के लोग जिन्होंने मिलजुल के आरपीएससी से ये घालमेल किया। अगर आपकी सरकार आती है तो इन लोगों पर जांच होगी किरोड़ी जी, ये आप मांग कर रहे हो जो आरएस बन गए जो ये बन गए, ये सरकार नहीं करेगी तो हमारी तो करेगी, हम तो इनको मौका दे रहे हैं, देख लो करा दो गहलोत साहब 15-20 दिन में, आप रिपीट करने की बात कर रहे हैं, आपने तो क्वेश्चन ही डिलीट कर डाले, तो आपकी फिर अगर नहीं करोगे जांच तो जनता आपकी सरकार को डिलीट कर देगी, करिए वो तो हो रही है तय है, लेकिन इसमें हमारी पार्टी गंभीरता से कार्रवाई करेगी। नहीं अब वो तो उन्होंने, मैं उन पर कोई तंज नहीं कसना चाहता, लेकिन वो अजमेर से एमपी रहे थे, हमारे दौसा से भी सांसद रहे थे, पीसीसी के चीफ रहे हैं, उन्होंने घोटाले पेपर लीक को लेकर पैदल यात्रा की थी, वो बुरा नहीं माने पायलट साहब, आपके छालों के अजमेर से लेकर जयपुर तक कोई मेहंदी ऐसी लगा दी 10 जनपथ ने जो आप अब सड़क पर उतरना नहीं चाहते, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ या पेपर के खिलाफ नहीं, आपने किसी कुर्सी के लिए आंदोलन किया था जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वो मेहंदी रंग लाएगी? वो मेहंदी तो जब सत्ता बदल जाएगी जब निश्चित रूप से रख लिया है, मेहंदी लगी थी ना छाले हो गए थे। नहीं वो तो कोई बात आप सिर्फ मेरे से पूछ सकते हो, बाद में पायलट साहब भी पूछ सकते हैं, आप ये कह गए आपने नहीं किया, शत प्रतिशत बात पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो पायलट साहब ने राजस्थान के युवाओं को नाराज किया, हजारों की भीड़ थी, बड़ा उत्साह था, पेपर लीक की खोलने की शुरुआत मैंने की थी, क्यों धरना दिया था ना, घाट की गुड़ी पर हजारों लोगों को लेकर आया था, लेकिन आप छाप पायलट साहब को रहे, इसलिए छापरे को कोई एक और ताकतवर आदमी मिल जाए तो हो सकता है बेरोजगारों को न्याय मिल जाए, लेकिन ताकतवर व्यक्ति तो समझौता करके बैठ गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार है तो है, रीट पेपर लीक हुआ तो हुआ, उसके प्रमाण है, तो पायलट साहब को अब भी आगे बढ़ना चाहिए। अब आप वो कह रहे हैं आरपीएससी में हम चेंज करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, तो पायलट साहब से मैं मांग करना चाहूँगा, आप ये संजय श्रोती से खड़गे जी से कह के इस्तीफा मांग लो, पायलट साहब से मांगे मेरी, दोनों को समझौता हो गया, वो कह रहे हैं गहलोत साहब लंबे अनुभव वाले व्यक्ति हैं, ज्ञाता हैं, बहुत जानकार हैं, उनको प्रशासनिक अनुभव है, तो आप उनको सलाह दें, वो कह रहे हैं हम सब साथ चल के सरकार दुबई लाएंगे, तो आप दोनों मिलके पायलट साहब और गहलोत साहब मिलकर